हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम ब्लाउज की बैक नेक सिंपल और यूनिक तरीके से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है और नीचे से इसकी जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर 10 या 11 इंच आप रख सकते हैं, तो मैं लाइन बनाकर पहन सकते हैं। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से देखिए इस तरह से हम शेप बनाएंगे। तो यहाँ से भी आपने इसको इस तरह से 3 इंच का लंबाई देकर शेप बना देना है और उसके बाद इससे मिला कर इस तरह से राउंड शेप देना है, हल्का सा राउंड देना है इस तरह से नीचे वाले शेप में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपने करना क्या है, देखिए पहले 2.5 इंच लिया था, फिर वहाँ से 1 इंच करके और उसके बाद यहाँ से 1 इंच करके हमने बढ़ाकर इसको गोलाई शेप दे दिया है और उसके बाद इसको कट कर देंगे। और उसके बाद हम इसे जो मेन फैब्रिक है उस पर बिछाकर इसको सिलाई कर देंगे। तो ये हमारे पास मेन फैब्रिक है और उसके बाद इसमें मैंने इसे देखिए बहुत सिंपल और यूनिक जो है डिज़ाइन है, त्योहारों में हमेशा न्यू डिज़ाइन पहनने के लिए आप इसे बना सकते हैं, तो उधर पहन सकते हैं, बहुत यूनिक लगेगा। तो इसकी चलिए सिलाई कर देते हैं हम इस तरह से मशीन पर, उसके बाद इसको अंदर वाले पार्ट को कट कर देंगे। तो इसकी मैंने सिलाई कर दी है और अब देखिए मैं इसके अंदर वाले पार्ट को कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे जो स्टिचिंग का कोर्स चल रहा है उसे मैं प्लेलिस्ट में अपलोड करती जा रही हूँ, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जितने भी कोर्सेस हैं स्टेप बाय स्टेप, और बाकी मैं इसमें वीडियो ऐसे एक्स्ट्रा ऐड करती जा रही हूँ तो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है और अब क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर 3 इंच के लिए हुई है, तो आपने करना क्या है इसे इस तरह से सिलाई कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेल डिज़ाइन डालना है जो यहाँ पर हमने गोलाई किया हुआ था। तो इससे मैं यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। देखिए सबसे पहले तो मैंने इसकी चाप सिलाई दे दी है इस तरह से, और इसको पलट कर मैंने चाप सिलाई दे दिया है। तो अब देखिए इसको भी मैंने सिल लिया है और यहाँ से क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रिल डिज़ाइन डालना है, तो इस तरह से जितनी राउंड शेप बनी है वहाँ से हम इसको फ्रिल डिज़ाइन डालते हुए आएंगे। और अगर आप इस तरह से गला बना रहे हैं तो बहुत सिंपल और तरीके से बन जाएगा, पहले सिलाई करके अस्तर वाले कपड़े में जैसे हम पलट कर उसकी चाप सिलाई दे देते हैं वैसे करके आप डिज़ाइन डालें कोई भी, तो बेस्ट रहता है। बस इसे इसके से हल्का हल्का हम इस तरह से देखिए इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे, जिसे हम फ्रिल डिज़ाइन भी बोलते हैं। और जितनी भी आपको चाहिए, घना चाहिए या थोड़ा सा कम घना चाहिए, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं इसे हाथ से इस तरह से डालती जा रही हूँ, देखिए तो मैं आपको यहाँ तक पूरा डालकर दिखाती हूँ किस तरह से हम ये इसे डाल रहे हैं। देखिए इस तरह से हमें इसको प्लेट बैठाना है और उसके बाद इस तरह से पैर उसका जो है दबा देंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे 3 इंच की जो है चौड़ाई ली थी, आप 4 इंच भी रख सकते हैं या फिर 2 इंच, जैसे आपको छोटी बड़ी चाहिए वैसे ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसे लें। तो यहाँ तक जहाँ तक गोलाई है वहाँ तक हम इसकी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा फ्रिल डिज़ाइन जो है डाल लिया है। अब इस धागा को कट करके हम आगे वाला काम करेंगे, जो हमने आगे जो ऊपर की तरफ डिज़ाइन डालना है। तो चलिए ऊपर वाला डिज़ाइन मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसको कवर करेंगे, जो ये हमने फ्रिल डिज़ाइन डाला है तो उसे कवर करने के लिए हम यहाँ पर पट्टी सा जो है बनाएंगे, या तो आप इसे अंदर की तरफ कर सकते हैं या फिर अंदर से बाहर की तरफ पट्टी ला सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से डिज़ाइन जो है, यानी कि इसे इस तरह से बाहर से लगाऊंगी और इसे अंदर की तरफ पलट दूंगी।
तरह से मैंने इसकी पूरी स्टिचिंग जो है कर ली है, देख सकते हैं आप। इस तरह से मैंने इसको पट्टी भी लगा दिया है। अब ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब नेक्स्ट काम जो है, हमने यहाँ पर देखिए एक मोटी सी डोरी जो है बना के रखी है और इसे पलट लेंगे। डोरी है जो हमने मोटी बनानी है, जैसे हम पिन से पलटते हैं या सुई से, जैसे भी आपको पलटना है वैसे पलट लीजिए। और इसका हमने बाकी के जो बच गया है वहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे। इस तरह से मैंने जो है डोरी पलट लिया है और इस और मैंने इसकी 1.5 इंच लंबाई, यानी कि 1.5 इंच की लंबाई पर मैं इसे जितने भी पीस कट करने हैं कट कर लूँगी। तो इसकी कम से कम 20 से 25 पीस जो है कट कर लेना है मैंने, क्योंकि ये मैंने पूरी आर्म होल तक इसकी डिज़ाइन जो डालना है। तो इस तरह से मैंने आधा कट किया हुआ है, आधा बाद में कट करूँगी। पहले मैं आपको बता दूँ किस तरह से इसका जो डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से रखना है और फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई कर देना है। तो देख सकते हैं आप कि इसकी जो सिलाई करनी है हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर करना है, इसलिए हमें कम से कम 20 से 25 तो जो लगी जाएंगे। तो इसी तरह से बाकी पूरे इस तरह से हम राउंड लेते जाएंगे, जहाँ तक हमारी जो डिज़ाइन बनी हुई है वहाँ तक लेके जाएंगे। पहले फ्रिल डिज़ाइन हमने डाला हुआ है वहाँ तक हम लेके जाएंगे, उसके बाद इसको टर्न करके घुमा के ले जाएंगे। तो देखिए ये मैं जो बैक डोरी है वो इसके साथ ही अटैच कर दूँगी, जो हमने पीछे की डोरी जो बनाते होते हैं वो साथ में मैंने इसकी अटैच कर दिया है। और देखिए इस तरह से लेते जाएंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगती है ये और यूनिक है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको डिज़ाइन पसंद है ज़रूर कमेंट करिएगा एक बार। आप भी बनाकर ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। फिर देखिए इसको मैंने इस तरह से टर्न कर दिया, आर्म होल की तरफ लेके जा रही हूँ टर्न करके। और यहाँ तक जहाँ तक फिटिंग पॉइंट होगी उससे 1 या 1/2 इंच हमने क्या करना है, थोड़ी सी बढ़ाकर 2-3 पॉइंट बढ़ाकर लेके जाना है। पॉइंट जो हमारी फिटिंग है उसके बाद एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फिटिंग में चला जाएगा, इसलिए हमने थोड़ी साइड में ही लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको लगा दे रही हूँ यहाँ तक, देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर भी पट्टी लगाना है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पट्टी लगाया हुआ था नीचे फ्रिल डिज़ाइन में ढकने के लिए, उसे भी पट्टी लगाएंगे। उससे पहले हम इस तरह की साइड भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने इधर किया हुआ था। तो इधर वाला भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड तो कंप्लीट कर लिया है, अब हमने दोनों साइड को कवर करना है एक पट्टी से, जैसे हमने नीचे फ्रिल डिज़ाइन में पट्टी कवर किया था। इस तरह से हमने इसको रखना है पट्टी को और सिलाई करते हुए गोलाई में लेके जाएंगे, जहाँ तक हमने आर्म होल के पास इसको सिलाई किया हुआ है, जो डिज़ाइन डाला हुआ है। पट्टी जो है आप 1 या 1.5 इंच तक ले सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं अगर आपको चौड़ी पट्टी चाहिए तो। मैंने यहाँ पर 1 से 1.25 इंच तक जो है पट्टी ली हुई है, क्योंकि मुझे पतली ये पट्टी चाहिए हुई थी, इसीलिए यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसको टर्न करना है, यहाँ से जो कटिंग करना है एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे कट कर देंगे और इसे अब हम टर्न करेंगे, इस तरह से पलट देंगे। तो ये आपकी राउंड में शेप बन जाएगी, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन बन जाएगी। बस इसे इस तरह से पलट कर और सिलाई कर देंगे। तो चलिए इसे हम सिलाई कर लेते हैं। दूसरे साइड भी हमने सेम टू सेम ऐसे ही कर लेना है जैसे हमने इधर किया हुआ है। देखिए मैंने दोनों साइड ही पट्टी लगा लिया है, आप देख सकते हैं ये बिना मोती के भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। अब एक काम हमने इसमें और करना है, इस टाइप की मोतियाँ लेनी है, छोटी छोटी मोतियाँ। ये मैंने लैस से निकाला हुआ है, क्योंकि इस समय मेरे पास वो मोतियाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने इसे जो लैस था उससे निकाल लिया है। और बीच में जो स्पेस बची है ना उसमें हमने मोतियाँ इस तरह से टाँपते जाना। सॉरी, इस तरह से मेरी जो गुड़िया है बीच में वीडियो की आती रहती है, तो इसका यही काम है, इधर से उधर करती रहती है। तो आप सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से टाँपते जाना है और देखिए इस तरह से एक एक पीस जो है हम जितने भी यहाँ पर स्पेस बचे हैं ना वहाँ लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो सारे में इसी तरह से जहाँ जहाँ स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है डिज़ाइन का वहाँ पर मैं इसी तरह से अटैच करती जाऊँगी। और आपने इसको थोड़ा टाइट अटैच करना, क्योंकि धोने के बाद कहीं ऐसा ना हो एक बार भी धोएं और आपकी ये जो मोतियाँ हैं निकल जाएं। तो
तो इसी तरह से मैं सारे के सारे जो है अटैच कर दूंगी। देख सकते हैं मैंने पूरा अटैच कर लिया है, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी